हेलो एवरीवन, मैदान में हारा हुआ फिर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी खुद पे खड़ा नहीं हो सकता। मुझे मीनाक्षी जी का मैसेज आया है कि उनका 7 साल का बच्चा बेड वेटिंग की आदत से अभी भी परेशान है, कि 7 ईयर्स की एज में भी उसकी ये आदत छूटी नहीं है। तो परेशानी का कारण तो डेफिनेटली है, पेरेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन बच्चे के लिए भी बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लो कॉन्फिडेंस आने की वजह से, नर्वसनेस आने की वजह से, कि कब मेरा ब्लैडर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, इसकी वजह से बच्चे की सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स बच्चे को कहीं लंबे टाइम के लिए बाहर ले जा नहीं सकेंगे, कहीं रात रुकना हो किसी रिलेटिव के घर, किसी होटल में, तो एक अलग तरह का तनाव रहता है। तो इसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा जानबूझ के बेड वेटिंग नहीं करता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस चेक करना, कि अगर उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं कहीं उसमें तो कोई इम्बैलेंसिंग नहीं है। अगर मेडिकली कोई भी इस तरह का डायग्नोस नहीं होता है जो इसकी वजह हो, तो फिर कुछ साइकोलॉजिकल कारणों पे नज़र डालना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर हम अवॉइड या इग्नोर कर जाते हैं, कि बच्चे को माहौल में से, चाहे वो घर का माहौल है, स्कूल का है, गली का है, पीयर ग्रुप का है, कहीं से उसको डर, अब्यूज़, बुलिंग, स्ट्रेस, प्रेशर, या फिर जिसको हम कहते हैं कि बुरे सपने आना, किसी तरह का हरेसमेंट हो रहा है, किसी तरह की कोई इस तरह का तनाव उसके दिमाग पे है जो वो समझ नहीं पा रहा और अपने पेरेंट्स से या घर में आसपास किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन नींद में या फिर अकेलेपन में वो तनाव उसको इतना ज़्यादा ओवरपावर कर लेता है कि ब्लैडर कंट्रोल जो है वो लूज़ कर जाता है और बेड वेटिंग होने लगती है। तो ये जो आदत इसको हम देखते हैं, बेसिकली ये आदत नहीं है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे की एम्बैरेसमेंट, बच्चे की जो एक फॉल्ट फाइंडिंग, बच्चे को जो टोकना, बच्चे का जो मजाक उड़ाना या बच्चे के साथ सिंपथी करना नहीं चलेगा। हमें बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट करना है, बच्चे को समझना है और उसे ये भी समझाना है कि दिस इज़ नॉट योर पर्सनल फेलियर, आप ये जानबूझ के नहीं करते हो, तो यहाँ इसका प्रेशर नहीं रखना। जो पहले से प्रेशर्स बिल्ट अप हो रहे हैं, पहले उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से या आसपास सीनियर एडल्ट्स होते हैं कोई, जो बहुत इम्पोजिंग हैं, डोमिनेटिंग हैं, लाउड बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, या कह सकते हो कि गाली गलौज करते हैं, फिजिकल वायलेंस होती है, बच्चा फिजिकल वायलेंस अपने पेरेंट्स में आपस में होते हुए देखता है, या घरों में वो एक तनाव देखता है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस बच्चे और बच्चे की आदत पे होता है। तो आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं स्वीन सैनी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर एक्सपर्ट, पेरेंटिंग कोच, लाइफ स्किल कोच एंड करियर कंसल्टेंट। आप सब अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। शुक्रिया।